केस का ट्रायल का दिन है, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जज साहब ने ये डायरेक्शन दे दी थी कि 10:30 पे ट्रायल शुरू होगा और वकीलों के लिए टाइम होगा मुलाकात की 9 बजे। आज खान साहब से ट्रायल से पहले हमारी मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हाई स्पिरिट और मॉरल में हैं, सेहत बिल्कुल अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तरफ से एज ए तर्जुमान मैं खान साहब के कुछ पैगाम आपको दे रहा हूँ और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। पहला ये खान साहब का ये पैगाम है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा एम्पायर को साथ मिला कर के खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे जिसकी हम शदीद मुजम्मत करते हैं। दूसरी, खान साहब के बिहाब से हम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से और सारे मुक्तदर हलकों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते फॉर्मल पीटीआई के लिए कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने हैं तो हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को प्रोवाइड करो जिसकी इस वक्त 70% पॉपुलरिटी है और आम आदमी की ये पार्टी है। उसके बाद ये एक मैं अरेस्ट करता हूँ, खान साहब ने कंसर्न शो की है राइजिंग टेररिज्म पे। टेररिज्म की हर फॉर्म में सख्त मजम्मत करते हैं। खान साहब की ये रिक्वेस्ट है कि पूरी कौम अपने सब के साथ इकट्ठे होकर के हर फिरके से बालातर होकर के इसका मुकाबला किया जाए। आखिरी बात ये कि खान साहब के पास आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लेटर आया था और उस लेटर में खान साहब को कहा गया कि क्या आप रिप्रेजेंट होना पसंद करेंगे नेब के केस में। खान साहब ने उसको एक्सेप्ट किया है। खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को वापस लिख लिया है कि मैं नेब के केसेस में एज ए रिस्पॉन्डेंट खुद पेश हूँगा। सुप्रीम कोर्ट मेरे सुप्रीम कोर्ट आने के लिए और पेश होने के लिए जो अरेंजमेंट है वो कर ले। खान साहब नेब का केस खुद इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आखिर में ये एक ज़रूर अर्ज करते हैं खान साहब की तरफ से। खान साहब ये फरमा रहे हैं कि साइफर जो आया था, हमारा सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, क्या 75 सालों में इस किस्म का साइफर पहले आया है? क्या 75 सालों में सिक्योरिटी कमेटी या कैबिनेट ने कभी किसी इस किस्म के बात पे किसी अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च कराया गया है? ये आप लोग खुद फैसला करें कि कौन हक बजाने में है। ये खान साहब की तरफ से पैगाम है। सिक्योरिटी के जो भी मसाइल हैं, मुल्क इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल में है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, ड्रामे के तौर पे नहीं, सीरियसली लेना चाहिए और हैंडल करना चाहिए। इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई और यही हमारा मुतालबा उसके सिलसिले में कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बजाय सारी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है इस वक्त, ये मुतनाज़े अब बन जाएंगे और ये कौम और मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ऑलरेडी इकानमी इतनी डाउन है, उनका यही कहना है कि इकानमी इतनी डाउन गई है, अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए ये कौम के लिए नुकसानदेह होंगे, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो गए, इसको अवॉइड किया जाए। नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में जो भी बात होगी वो हमारे पार्टी जो लीडरशिप है वो इस पर मौकब देगी। मैंने तर्जुमान की हैसियत से ये कहना था, ये आपकी बात बिल्कुल से सही है, नवाज शरीफ के कहने पे हमारी पार्टी मौकब देगी।